मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पे चल रहा है प्रोजेक्ट का काम। और ये देखिए छोटे मेरे सोशल स्टडीज आजकल बच्चों का ना जितना भी होमवर्क दे रखा है स्कूल का वो चल रहा है। और सारा कमरा ये कर रखा है, ये सारे रूम में क्या फैला रखा है ये देखिए। ये प्रोजेक्ट बनाने और इतने ज़्यादा हार्ड प्रोजेक्ट दे रखे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। हमने तो कभी ज़िंदगी में किए ही नहीं इतने सारे प्रोजेक्ट। ये देखिए हम बड़ी क्लास में आपको तो जब आप टेस्ट में होगा आपको पता ही भी नहीं होगा कि कितना किया है। हमें इस टाइप का नहीं देते थे ना बाबू। आप लोग बताओ आप लोगों को कितना मिला जब आप फोर्थ में थे। और काना का तो प्रोजेक्ट का ही काम है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा दे रखी है, लिखने का काम कम दे रखा है और एक्टिविटी प्रोजेक्ट वगैरह सब इनको वो दे रखा है जो हमें अब दे रहे हैं। 20 तारीख से ये होमवर्क करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसका मतलब आधा भी पूरा नहीं हुआ है। तो नानी के गांव तो तभी जाएंगे हम जब प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे मेरा काम होने वाला है, मेरा प्रोजेक्ट क्योंकि वहाँ पे टेंशन में ही रहेंगे कि अभी काम रह जाता है, तो इसलिए यहाँ कंप्लीट करके जाना है चाहे वो हम 10 दिन लेट जाएं। ये तो बना लूं मैं ज्वालामुखी 10 दिन लेट तो नहीं लेकिन 2-4 दिन लेट तो हो ही जाएगा होमवर्क के चक्कर में। ये देखिए मत कर या कैंची ना कर, हम खराब ना कर चीजों को खराब कर दे रहे हैं। ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये देखो हमारा बेस, ये नदी बनाई है मतलब पानी बनाया है और उधर हरी घरी घास और इधर डेजर्ट, इधर डेजर्ट और इधर मैं बनाऊंगी अपना वोल्केनो जो कि मैंने ना इसका ना वॉच का जो लाया नहीं था वॉच की घड़ी का डब्बा है तो हमने वो यूज कर दिया। पता नहीं क्या क्या संभाल के रखती है चीजें फिर उनकी कुछ कुछ बनाती रहती है। मैं सब कुछ वेस्ट नहीं करती, मैं बहुत ही अच्छा। मम्मा ने नई टी शर्ट, मम्मा नया बैग लाई और उसको एक दिन में गंदा कर दिया। काना ये क्या हो रहा है, काना के पल्ले कुछ नहीं पड़ता इतना बचा है पिटा। अगर चीजें खराब होंगी ना कटोरियां खराब कर देते हैं सारा। डिस्पोजल लाऊंगी अब इनके लिए, कटोरियां नहीं यूज करने दूंगी, सारे कलर से भरे होते, पूरा सिंक भरा होता है मेरे बर्तनों का। जब आपका बहुत परेशान हो इनके साथ फेविकोल ना निकले ना तो ऐसे काट दो इसकी तरह और तब निकालो जब लास्ट हो जाए फेविकोल की जिंदगी। और ये मैंने ना फेविकोल और पानी फेविकोल बनाया। अब हम फेविकोल की अब बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ। चलो अब क्या बनाना है इसमें, इसमें क्या बनाना है, माउंटेन्स बनाने हैं। तो माउंटेन्स ऐसे खड़े होके बनाने हैं क्या या अंदर ही बनाने हैं ऐसे? नहीं खड़े होके बनाने हैं इस बार, ये प्रोजेक्ट एकदम 3D में बनेगा ना। 3D में जैसे ये माउंट ये है, क्या है, फुहारा, फुहारा नहीं वोल्केनो घड़ी का, मेरी घड़ी का है पानी का फुहारा नीचे से क्या कर दिया उसका नीचे से अंदर से। ये क्या है, ये क्या बनेगा, वोल्केनो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी ज्वालामुखी इसको अभी पेंट करना रहता है, अभी सूखा नहीं है ये ज्वालामुखी है। तो पता है वो माउंटेन कैसे बनाने हैं, ऐसे पेज काटने हैं, ठीक है पेज काटने हैं और ऐसे खड़े में उनको ना नीचे से फेविकॉल से चिपका देना, उनके कलर कर देना ग्रीन ग्रीन। आ गई बात समझ में, माउंटेन ब्राउन बनाने हैं और ऊपर से उन पे वाइट कलर का चढ़ाना है बर्फ, बर्फ कॉटन चलेगी। अच्छा मतलब लद्दाख का माउंटेन बनाना है या हिमाचल और उत्तराखंड का? हाँ ग्रीन ग्रीन बनाओ ना, ग्रीन ग्रीन नहीं बनाना ना, बर्फ कहाँ होगी फिर, हमें हिमालय प्लेटू प्लेन्स ये सब बनाने हैं। अच्छा लैंडफॉर्म्स बनानी है गाइस, यही कारण है मेरे वीडियो ना आने का आजकल, क्योंकि स्कूल से ज्यादा इन्होंने होमवर्क दे दिया है बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा मेरा दम दम निकल गया है। लर्निंग अलग है, लर्निंग भी करनी है, लर्निंग तो हो पाएगी नानी के गांव ले जाओ, एक एक बुक जो लर्निंग की है ना वो रख लेना। हम अपना काम तभी करेंगे जब हम नानी के गांव जाके, दीदी छोड़ दो ऐसा ये दिख रहा है ये और कनुआ दिख रही है, कनुए में लेके नहीं जाऊंगी। हाँ कनुआ कहीं का, अब वो मेरे तो ये सारा ये देखे पूरा रूम मुझे साफ करना पड़ता है फिर थोड़ी देर में। अभी मम्मा ने पूछा ही बनाऊं मैं कुछ, हाँ बनाओ कुछ, इसका पत्थर बना दो ना माउंटेन में, सजाना है पूरा प्रोजेक्ट। ऐसे ही यहाँ पे रख दूंगी ऐसे, ये ऐसे बहुत सारा। अभी आपका साइंस का रह जाता है, मेरा तो साइंस का, इसका पता क्या है, इसने ना मैं आपको बता मेरा सब कुछ हो चुका है, बस ये सोशल स्टडीज का बच्चा। काना की समझ, काना को पता ही नहीं है कितना काम दिया है और कितना नहीं। मेरे को खुद ही नहीं पता क्या है मेरा ऑलरेडी होमवर्क, कल पापा को कह रहा, पापा ने बोला कितना रहता है बेटा, कह रहा मेरे को खुद ही नहीं पता मेरा क्या है ऑलरेडी होमवर्क।
अच्छा देखो इसने पता क्या करना है, हाँ। पेपर लेना है उसको ना एक दिन के लिए पानी में भिगो देना है, एक दिन के लिए, और फिर उसको निकालना है, फिर उसको मिक्सी में पीसना है, उसका जो पेस्ट, मिक्सी में, हाँ, हाँ। फिर जो पेस्ट होगा ये सब तो मैं नहीं करूंगी, ये सब करना है नहीं, ये सब करना है, हाँ। फिर मैंने ना ये जो प्लास्टिक शीट होती है ना, हाँ। इनके ऊपर रखना है उस पेस्ट को, और दीदी देखो किधर सारा आ रहा है, और जो रोलर पिन होती है यानी बेलन, हाँ। उससे उसको फैलाना है अच्छे से, हाँ। और इसके ऊपर से दूसरी प्लास्टिक शीट रखनी है, हाँ। कुछ दिनों के लिए, 3-4 दिनों के लिए इसको सूखने दे रहा है, हाँ। और फिर तो ये तो पूरा कृषि विज्ञान तुम्हें तो किसान बना दिया, पूरा वैज्ञानिक बना दिया एक तरह से, इसका एक पेज बन के तैयार होगा जिसका की ये बैग बना सकते हैं, कुछ दीदी देखो गुजर आ रहा है, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं लाएगा, हम तो करेंगे ना, तो तब तक हम गाने के, कोई बच्चा नहीं करता इतना, स्कूल वाले तो कुछ भी दे देते हैं, आप पेश नहीं करते हो, हमारे स्कूल की बेइज्जती मत करो, बेचारा हमारा स्कूल बेचारा, तब अभी तो बहुत है, मेरा भी प्रोजेक्ट रहता है अभी, स्लोगन मैंने स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स पे बना दिया, मुझे तो सांस नहीं आ रही है इनकी चीजें देख के, यहाँ पे ये देखेगा अभी इस पे भी बनाना है, फादर्स डे का क्या बनाना है, कार्ड वो रहता है अभी हम दोबारा लिखने का काम पूरा करो अच्छे से, ठीक है, नहीं करेंगे, और लर्निंग ले जानी है नानी के गांव, एक घंटा बैठ के उधर लर्निंग करेंगे सुबह दिन में, मतलब जब भी टाइम मिले, ये देखो क्या लग गया, क्या लग गया, पेंट मिटाओ उसको अब नहाओ, और 3 घंटे खुद तो 2 मिनट भी नहीं नहा था, और गाइस मेरा काम पूरा हो चुका है, अब आ गई हूँ मैं बच्चों के सामने, तो आधा अधूरा काम मैं भी करती हूँ, और मैं लेट गई हूँ यहाँ पे फर्श में, बहुत अच्छा लगता है, काम करेगी ना हाँ? तो सब कुछ बिगड़ जाना है, और काना की ऐसी भाषा हो रखी है, ऐसा बिहेव हो रखा है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब काना को अवार्ड मिलना चाहिए, किसी को भी कुछ भी बोल दे रहा है, गाली गलौज सब कुछ है ना, गाली नहीं देता मैं, गाली नहीं देते आप, नहीं देते, पागल तो कौन बोलता है? पागल कौन बोलता है दीदी को, पागल कौन बोलता है, बेवकूफ कौन बोलता है, तुम ही बोलते हो, कहां दीदी तो बिल्कुल नहीं बोलते ऐसे, तेरे को पता है एक बार मेरी मम्मी को गुस्से में पागल बोल दिया था जब मैं 4 साल की थी, उस दिन जब से मेरे को चाटे पड़े हैं ना मम्मी पापा के दोनों के, 4-4 चाटे मारे, लेकिन तूने हार्ट पिक पी लिया था, हां हार्ट पिक नहीं पिया था, वो पिया था क्या मच्छर मारने की दवा, अच्छा वो मरी नहीं, एक बार मेरे बाबू ने ना मच्छर मारने की दवाई पी ली थी, बहुत शरारती थी, बहुत चंचल, तो चलिए गाइस बस यही है मेरे वीडियो अपलोड ना करने के कारण, और दूसरे चैनलों में मेरे धड़ाधड़ वीडियो जा रही हैं, लेकिन इस चैनल पे यही कारण है, मैंने टाइमिंग सेट कर रखा है अलग अलग बच्चों की पढ़ाई का, शेड्यूल नहीं तो बिना शेड्यूल का कुछ भी नहीं होता, अगर मैं शेड्यूल ना करूं तो मैं एक भी काम नहीं कर पाऊँ, ना इनका काम हो पाएगा होमवर्क का, ना मेरा काम हो पाएगा घर का, लेकिन आजकल 9:30-10 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो जाता है घर का टोटल काम, झाड़ू पोछा नाश्ता बर्तन कपड़े किचन नहाना धोना सब, और बैठ जाती हूँ मैं इनके साथ यहाँ पर, क्योंकि इनका काम कराना जरूरी है, नहीं तो इनके पापा फिर मुझे भेजेंगे नहीं, आपको पता है पोस्टर कलर सबसे अच्छा कलर होता है, सबसे ज़्यादा उन्हीं को जवाब देना होता है स्कूल में, तो जब दे तब दे, पहले उनको जवाब देना होता है शाम को, आके देखते हैं कि आज क्या क्या, हाँ पूरे दिन के डिटेल लेते तो दिहारी जी को, और फिर चाटे भी पड़ते हैं ना राघव को, और फिर चाटे पड़ते हैं, और बाबू को सबसे ज्यादा डांट पड़ती है, डांट पड़ती है मेरे को, चाट अब तो नहीं मारते पापा, फिर मैं किलस जाती हूँ, मुझे नहीं मारते, मैं नहीं मारता, देख रही हो ये लैंग्वेज है इसकी, मतलब बहुत तरक्की की है काना ने 2 साल में, थैंक यू, इतनी तरक्की किसी ने नहीं की हो, किसी बच्चे ने नहीं की होगी ऐसी तरह की काना, जैसे आप देते हो ना गाली, मैं गाली नहीं देता, किसने बोला, आप देते तो मुंह तो चलाते हो, गाली देना ही होता है पता है, मुंह चलाना है जोर से बात करना अपने मम्मी पापा के साथ, हाँ बहन कोई बात नहीं, बहन को तो जी समझते तुम, पता है दीदी लाइट जोर से जाती है ना, इतनी जोर से बोलने की जरूरत क्या है, सुन तो रहे ना हमारे, आराम आराम से भी तो बोल सकते है ना, अच्छा हाँ, जो जोर से बोलता है ना उसकी बातें कोई नहीं सुनता, उसको इग्नोर करते हैं सब, इसलिए आराम, आपको पता है जब दीदी ना लाइट पंखा बंद करना भूल जाती है ना, तब ना पापा जाना, अरे लाइट पंखा बंद कर, कभी आ गया देखो बाबू,
देखो बब्बू। मम्मी पापा मम्मी को बब्बू बोलते हैं ना। बबीता है मम्मी का नाम, तो सबने प्यार से बब्बू। तो चलिए गाइस, मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैंने एंड किया।